हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार, कोई भी वीडियो डाल रहा हूँ, अपना पर्सनल डाल रहा हूँ, चाहे गोरखपुरिया भाभी को भी डाल रहा हूँ, तो उसमें बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप आंचल के साथ वीडियो बनाइए और आंचल के साथ वीडियो आपका अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप लोग से कहना चाहते हैं, अब दोबारा कमेंट मत करिएगा। और आंचल हमारे लायक थी ही नहीं, साफ जो कहना है आप लोग को बता देते हैं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंट मत करिएगा। और दोस्तों, आंचल को लगभग 500 सब्सक्राइबर थे तब से हम जानते थे, और उससे बोले कि आप हमारे साथ वीडियो बनाएंगी, तो बोले कि ठीक है। तो हम सोचे कि टीम में हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, धमाल भाई से और काजल भाभी से भी बोले थे, तो बोले कि देख लो, बात कर लो। तो पहले दिन ही शादी का एक कंटेंट आया था हमारा, और लगभग बहुत अच्छा आप लोग प्यार दिए उस वीडियो को, और उसका चैनल का लिंक भी डाले थे, तो अच्छा खासा सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, उसका भी चैनल ग्रो होने लगा था। और लेकिन दोस्तों, उसको सब चीज़ आसान लगने लगा, और ये मतलब था उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था, समझ रहे हैं दोस्तों। तो फिर से आंचल की मम्मी से भी बात हुआ कि मम्मी जी, आंचल के साथ अब हम वीडियो बनाएंगे और कोई दिक्कत नहीं ना है, आप लोग को तकलीफ़ नहीं ना? तो बोले कि कोई तकलीफ़ नहीं है बेटा, आप वीडियो बनाइए। तो हम इसीलिए पहली बार किसी लड़की को अपने चैनल में लाए थे दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा। तो फिर से प्लान किए, अपने जन्मदिन में लेकर चलते हैं गोरखपुर उसको, और रहने वाली है इलाहाबाद की, हो आप लोग को मालूम है, धमाल भाई की साली है, और इसीलिए हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे काजल भाभी और धमाल भाई के वजह से। तो दोस्तों, लड़की तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी हमको वीडियो बनाने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन पहली बार लाए थे इसलिए बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और गोरखपुर लेकर आए तो भाभी घर पर गए, उसको लगा बहुत आसान, मतलब सालू भाभी, रजनी भाभी, सभी लोग के पास लेकर गए थे, तो उसको लग गया आसान कि मतलब बड़े बड़े यूट्यूबरों से मिलना बहुत आसान है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारे वजह से इतना रिस्पेक्ट मिलता था उसका। और भाभी घर पर 3-4 दिन रही भी थी, और हमारे दीपू भाई हैं जो कि डिजिटल चलाते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, जो कि हमारे वजह से उसका भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किए थे। उसके चैनल पर स्ट्राइक भी आया था तो वो हटा दिए थे, मतलब अच्छा खासा व्यूज आ रहा था मेरे साथ वीडियो बना रही थी, तो इसलिए जलने वाले उसके चैनल पे 2 स्ट्राइक दिए थे, तो दीपी भाई हटा भी दिए थे उस स्ट्राइक को। तो दोस्तों, इतना करने के बावजूद भी, लेकिन वो समझी नहीं, धमाल भाई काजल भाभी को भी बहुत ज़्यादा धोखा दी कि हम काम करेंगे, और हमारे वजह से धमाल भाई भी डिस्टर्ब रहते थे, मतलब जो वीडियो में आता है वो रियलिटी नहीं रहता है दोस्तों, सामने कुछ और रहेगा और वीडियो में कुछ और रहेगा। तो आप लोग को लगता था कि बहुत आसान है और बहुत अच्छे से दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, बहुत रिक्वेस्ट करके वीडियो बनाना पड़ता था। ये बताइए, कोई लेडीज़ है तो उसको रिक्वेस्ट करके वीडियो बनाएंगे तो मज़ा नहीं आता, उसको भी खुद होना चाहिए कि चलिए वीडियो बनाते हैं, वो अपने चैनल पर खुद नहीं काम कर पाती थी, जो कहना साफ बता रहे हैं दोस्तों। और देखते हैं क्या करना है, अब बातचीत नहीं होता हम लोग का, खाली इतना ही था हमारा, उससे शादी नहीं करने वाले थे दोस्तों, अब क्या करें, जो कहना है बता रहे हैं आप लोग को। हम यही सोचे थे टीम में अच्छा से काम करो और अच्छा नाम हो, आगे देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, शादी ब्याह तो होता रहता है, स्टार हो जाते हैं लोग तो अपने में शादी कर ही लेते हैं, तो मतलब यही उसको समझा रहे थे लेकिन वो समझी नहीं। तो दोस्तों, बहुत रिक्वेस्ट करके वीडियो बनाना पड़ता था, और जो रियलिटी है सामने से दिखाई देता है, और आप लोग फ़ोन में अच्छा खासा वीडियो देख के आप लोग को बहुत लगता था कि ये दोनों कपल्स वाले हैं और बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था। तो अब आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा कमेंट मत करिए कि आप भैया आंचल के साथ वीडियो बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये बताइए, अपने तरफ से बहुत कोशिश किए थे कि उसका मतलब नाम अच्छा कर दे, लेकिन वो समझी नहीं। तो यही सब बातें थे दोस्तों, आप लोग बताइए क्या किया जाए।